दोस्तों आमतौर पर कई गांव और जिलों को मिलाकर एक सांसद बनता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा अनोखा गांव है जिसके दो दो सांसद और दो दो विधायक हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के चार तहसीलदार और दो एसडीएम हैं। 1600 लोगों की आबादी वाले इस गांव की सीमा ऐसी बटी हुई है कि बच्चे रहते अलग तहसील में हैं और पढ़ने दूसरी तहसील में जाते हैं। लोग अपने घरों में अलग तहसील में रहते हैं, लेकिन जब वे खेत पर जाते हैं तो उनकी तहसील अलग हो जाती है। आइए जानते हैं इस अनोखे गांव की कहानी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी सेवा में निरंतर ऐसे ही वीडियो लेकर उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित आमला गांव, इस गांव की अजब ही कहानी है। इस गांव का कुछ हिस्सा आगर तहसील में, कुछ सुसनेर में, कुछ नलखेड़ा में और कुछ हिस्सा बड़ोद तहसील में है। यही नहीं, गांव की गलियां भी अलग अलग तहसीलों का प्रतिनिधित्व करती है। एक ही गांव में रहने के बावजूद भी दो भाई अलग अलग तहसीलों में निवास करते हैं। उनके विधायक और सांसद भी अलग हैं, तो उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी भी अलग हैं। दोस्तों, आमला गांव में दो विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। यही नहीं, यह गांव दो संसदीय क्षेत्रों देवास, शाजापुर और राजगढ़ के अंतर्गत भी आता है। यहाँ के लोग दो विधायक और दो सांसद चुनते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर भी ये गांव बड़ा ही अनोखा है। इस गांव के आधे लोग दूसरी पंचायत में रहते हैं तो आधे लोग दूसरी पंचायत में निवास करते हैं। एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है तो दूसरा हिस्सा आमला से 4 किलोमीटर दूर सेम खेड़ी से जुड़ा है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का ये अनोखा गांव? कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।